नमस्कार, आप देख रहे हैं इवन न्यूज बिहार और मैं आपके साथ मानसी अरोड़ा। बिहार के पूर्णिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के झुनिस्तम पंचायत के बेगमपुर गांव में तालाब की रकम को लेकर रिश्तेदारों के बीच रंजिश के चलते लड़की वालों ने 40 साल की महिला व उनकी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। महिला ने अपने संबंधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अपनी बेटी को तलाक दिए जाने के लिए संबंधी 3 लाख मांग रहे थे। महिला व उनके पति ने रकम के लिए कुछ समय मांगा, जिससे आक्रोश में आकर संबंधी ने महिला के पति व उनके बेटे को अपने घर पर बंधक बना लिया। महिला को मोहम्मद कासिम के घर पर रखा गया, जहां पर कासिम ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। दूसरी तरफ महिला की नाबालिग बेटी को बगीचे में ले जाकर उसके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़ित महिला ने गाँव के 5 लोगों पर आरोप लगाया है। महिला ने मुख्य रूप से कासिम को ही दोषी बताया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।